नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह के आह्वान पर समाज सेवी संस्था नंगल महिला वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा सोसाइटी की अध्यक्षा एवं पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह की बेटी दिव्या कंवर के नेतृत्व में अपनी समाज सेवी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए बीपीएमबी हॉस्पिटल में भारी संख्या में उपचार करवाने आने वाले मरीजों व उनके परिजनों की सुविधा व कोरोना महामारी को देखते हुए हॉस्पिटल में जहां सेंसर युक्त हाथों को सैनिटाइज करने वाली मशीन भेंट की, तो मरीजों को ठंडा व साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाटर कूलर व हॉस्पिटल के समस्त 45 डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को ऑक्सीजनेटर और मास्क भी भेंट किए गए। इस मौके पर दिव्या कंवर ने हॉस्पिटल के पीएमओ व अन्य डॉक्टरों से मुलाकात कर हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। इस मौके पर हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन सैनी ने क्या कहा, सिटी हलचल से बात करते पहले जे सुने। आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा जो उत्साहित किया हमें काम करने के लिए, वो बहुत अच्छा एक जेस्चर है। हमें ऐसे ही उत्साह की ज़रूरत होती है, हम करते रहते हैं काम, हम मन लगा के इसी तरह से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा उन्होंने आ जाके हमें मिले। हमें इस मौके पर क्या कहा कांग्रेसी नेता विजय कौशल ने, जे भी सुने। आज चोपड़ा जी, आज खुशी इस गल की है क्योंकि जिहड़े उपराले राणा कमलपाल जी की रहनुमाई हेठ हो रहे, हर रोज़ कुछ ना कुछ उपराला करते हैं, लेकिन अज ये उपराला देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि बीबीएमबी हॉस्पिटल के जिथे राणा जी वालों एक कूलर ड्रेड किया गया पानी का, एक सैनिटाइज की मशीन लाई गई और जिहड़े सारे स्टाफ नूं ऑक्सीमीटर दिते गए। मैं राणा जी थोड़ा बहुत ही धन्नवादी हाँ दिव्या कंवर जी का, इन्हों की सोसायटी का, जिन्होंने ये ऑक्सीमीटर दे के हर स्टाफ की जेब एक ऑक्सीमीटर होगा, ये बहुत बड़ी गल है क्योंकि अज हर डॉक्टर इधर उधर होंगे, पेशेंट ज़्यादा करोना के आते हैं, ऑक्सीमीटर सैनिटाइज की मशीन ला के तो बाकी जिदा ये उपराले कर रहे हैं। मैं दिव्या कंवर जी को, इन्हों की सोसायटी को ये बधाई दे पात्र है। डॉक्टर शालिनी जी जिन्होंने सानू इत्थे आने का मौका भी दिता, धन्यवाद। सिटी एलचे से बात करते हुए पार्षद इंदुवाला ने क्या कहा, जे भी सुने। हाँ जी, अज बीबीएमबी हॉस्पिटल दे विच मैडम दिव्या कंवर जी दे नाल स्पीकर साहब राणा कमरपाल सिंह जी दे दिशा निर्देश अनुसार अज नंगल वेलफेयर सोसाइटी ने अज इत्थे के सेंसर सैनिटाइज मशीन लगाई है ते ऑक्सीमीटर दिते ने डॉक्टर्स ते बाकी स्टाफ नू। असी दिव्या जी का राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बीबीएमबी हॉस्पिटल जिथे कि साढ़े वार्डा के नंगल के होर भी पिंड के लोग आते हैं, इन्हों सहूलतों का बहुत फायदा होगा। इसलिए असी राणा जी का, दिव्या जी का, नंगल वेलफेयर सोसायटी जी लेडीज़ है तो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो बहुत खुश हाँ इन्हों के इन्हों जे समाज भाई के काम है उन्होंने। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए दिव्या कंवर ने क्या कहा, जे भी सुने। पहले तो सारे नमस्कार, आज बीबीएमबी हॉस्पिटल का जो प्रोग्राम है, साड़ी संस्था नंगल लेडीज़ वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसायटी के वलों सेंसर सैनिटाइज डिस्पेंसर डोनेट किया गया है ताकि जिन्हें भी जोड़े इतने पेशेंट्स आते ने उन्होंने सहूलत देने लई, सो दैट असी कोरोना महामारी से असी जित सकी जित पा सकी। जिहड़ा प्रेजेंट स्टाफ है डॉक्टर्स ने उन्होंने सारे ऑक्सीमीटर्स भी प्रेजेंट किए गए। ये मुहिम इदा ही स्पीकर साहब के दिशा निर्देशों अनुसार ये मुहिम इदा ही चलती रहेगी और थोड़ा सानू बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सपोर्ट तो बिना असी पब्लिक तक अपनी गल नहीं पहुँचा सकते, थैंक यू वेरी मच। तुसी बहुत अच्छी तरह पब्लिक नू साडे संदेश पहुँचाते हो, थैंक यू। उधर बीबीएमबी हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी ने बीबीएमबी हॉस्पिटल को वाटर कूलर, सैनिटाइज मशीन, मास्क व पूरे स्टाफ को ऑक्सीजनेटर देने के लिए नंगल महिला वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्षा व उनके समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हैं हॉस्पिटल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी ने। आज वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के कई मेंबर्स, एमसीस, सिविल अथॉरिटीज़ की तरफ से दिव्या मैडम उनको रिप्रेजेंटेटिव करते हुए आज हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ सामान डोनेट किया। उन्होंने हमें एक हैंड फ्री सैनिटाइज़र आइसोलेशन वार्ड में लगवाया, एक वाटर कूलर विथ फिल्टर
हमारे हॉस्पिटल को डोनेट किया। हमारे सारे समस्त स्टाफ और डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट सबको उन्होंने उनके काम के लिए सराहा और उन्होंने आगे भी वादा किया कि वो अपना योगदान इस हॉस्पिटल के लिए देते रहेंगे। उन्होंने एक एप्रिसिएशन के तौर पे हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स को पल्स ऑक्सीमीटर डोनेट किए और भी हमारी समस्याएं उन्होंने सुनी जो वो अपने स्तर पर सॉल्व कर सकती हैं। उन्होंने वादा किया कि वो स्पीकर साहब तक पहुँचाएंगी और ये समस्या सॉल्व करेंगी। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।